All right, guys, now farmer protest is finally over. 15 months long farmer protest is over now. The celebrations have begun here. They have just declared that they are in agreement with the government's proposal. एक साल से भी लंबा ये प्रोटेस्ट चला और जो बिल सरकार लाई थी वो वापस ले लिया गया। अब मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सवाल यही बनता है कि जब वापस ही लेने थे तो लेके क्यों आए चचा। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि इस पूरे आंदोलन में जो 15 महीने चला इसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। ये नहीं होता अगर ये सब कुछ खैर कल सुबह 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकला तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। Now finally farmers are going back to their homes। वापसी होगा हाँ, अपने घरों पर जान दो। चलो अच्छी बात है, इससे एक बात तो सीखने को मिली। क्या? छुट्टी है दुनिया छुटाने वाला चाहिए। Now she will also go home। क्योंकि हमारे न्यूज चैनल इसने पागल हो चुके थे कि उनको रिहाना किसान नेता लग रही थी। यार चलो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा देश और तरक्की करे, किसान और समृद्ध हो। बहुत खुशी है, इतनी खुशी कभी भी नहीं जितनी खुशी आज है। सो इट्स अ 15 मंथ्स लॉन्ग प्रोटेस्ट एंड फाइनली इट्स ओवर। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री इज सॉल्व्ड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। इट इज ऑल्सो बिग। तो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, किसान अपने घर चले गए, लेकिन दूसरी बड़ी समस्या ये देश की कि ये अपनी अगली सेंचुरी कब मारेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पर ये क्या कर रहा है अभी? क्या? बर्तन धो रहा है। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। If you talk about cricket, a big news. सूत्रों के हवाले से TOI में खबर छपी कि 48 घंटे दिए गए थे विराट कोहली को कि वो ODI कप्तान का जो पद है वो छोड़ दें, लेकिन विराट कोहली नहीं माने और ऐसे में BCCI को ये कदम उठाना पड़ा और उनको बर्खास्त करना पड़ा। First of all, let me tell you something. Please show respect. Back towards Kohli, he is a world-class batsman. First of all, ये बात अलग है। 26 साल में पाकिस्तान कभी नहीं हरा पाया था इंडिया को वर्ल्ड कप में, पर सर की कैप्टेंसी में 10 विकेट। नहीं नहीं चल ठीक है, बट इफ यू थिंक अबाउट वर्ल्ड कप 2023, यस वी शुड थिंक अबाउट इट। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा। कोहली के फैन बॉयकॉट कर रहे हैं, हैशटैग shame on BCCI चला रहे। It was trending and people were actually giving their emotions and everything but what Kohli was doing. उसने कहा तुम बाढ़ में जाओ पैसे कमाने, तो ट्विटर पे वो पेड ट्वीट कर रहा था। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? इसे कहते हैं क्या? This is business. Nani? And so many conspiracy theories are going, even so many people were saying that Rohit Sharma is well deserving. देखिए अगर रोहित शर्मा हिंदुस्तान के कप्तान नहीं बने तो ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य। लेट्स सी, वी जस्ट वांट दैट आवर कंट्री आवर टीम शुड विन, दैट्स इट। ऑनेस्टली मुझे लगता है ठीक हुआ। चलता ये लालच बड़ी बुरी चीज होती है। चलो हटाओ कैप्टेंसी को, अगर आप कोहली एज अ बैट्समैन बूंद फाड़ खेलेगा हर मैच में 100-150 बनाएगा तो टीम को भी फायदा होगा और वो कॉन्सेंट्रेट भी कर लेगा बैटिंग पे, तो अच्छा ही है यार। बिकॉज वी रियली वॉन्ट दैट आवर कंट्री शुड विन द वर्ल्ड कप इन 2023 इफ यू ऑल आर अलाइव। क्योंकि ये जो वायरस है ना, इसकी नियत ठीक नहीं लग रही है, मजा नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। पर कहीं से एक रिसर्च आई है कि इफ यू च्यू द च्युइंग गम यू कैन फाइट विद दिस वायरस। No, seriously, listen to this. इस चमत्कारी च्युइंगम की खोज हाल ही में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक टीम ने की है। ये च्युइंगम कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में काफी असरदार साबित हो सकता है। ये खास तरह की च्युइंगम मुंह में वायरस को ट्रैप कर लेगी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। Now let's count how many Omicron cases are there in the country. New cases of the Omicron variant of coronavirus have been reported in Maharashtra, taking the total number of cases in the state to 17 and across the country to 32. Let's pray that it will not increase, but normal corona cases are increasing in country, Mumbai. और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई में दो दिनों तक धारा 144 लगा दी गई है। आज और कल धारा 144 लागू रहेगी। तो फिर से बता दूं, अगर न्यू ईयर की कोई तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा होल्ड कर लेना, क्या पता क्या हो। आसोल परिवर्तन। ओके गाइस, एज यू ऑल नो दैट वेडिंग सीजन इज गोइंग ऑन, मतलब जिसकी सोची नहीं थी उसकी शादी भी हो रही है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे बस आपको वेडिंग पिक्चर्स ही मिलेंगे ऐसे। पर शादियों से याद आया शॉपिंग।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इन वेडिंग्स पीपल बाय सो मेनी थिंग्स, आई मीन शूज, क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स, व्हाट नॉट. आई मीन फोन का रिचार्ज तक लोग करवाते हैं खूब सारा, लेकिन अगर ये आप डायरेक्टली अमेजोन और फ्लिपकार्ट से लेते हो तो एक बहुत अच्छा आइडिया है उस पे भी प्रॉफिट कमाने का. गो थ्रू लैडी शॉप. यू नो यू कैन गेट एक्स्ट्रा कैश बैक थ्रू लैडी शॉप. लैडी शॉप एकमात्र ऐसा कैश बैक ऐप है जिसमें आपको 2000 से ज्यादा स्टोर मिलेंगे, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फार्म इजी, स्विगी, जहां पे आपको बहुत सारा कैशबैक भी मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा. हाउ टू यूज लैडी शॉप, इट्स रियली इजी. डाउनलोड द लैडी शॉप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. नॉर्मली आपको अमेज़न पे 5% का रिवॉर्ड मिलता है, अगर नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर दो आपको 20% तक का रिवॉर्ड मिलेगा. डाउनलोड लैडी शॉप, फिल योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, रजिस्टर योरसेल्फ. जब आप डाउनलोड कर दोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे स्टोर दिखेंगे जिस पर भी जाना है आप बस उसको क्लिक कर दो एंड डू योर रेगुलर शॉपिंग. दैट्स इट. सपोजिटली इफ आई वांट टू डू द शॉपिंग थ्रू अमेज़न, सो आई एम जस्ट क्लिकिंग इट. सो बस गो टू स्टोर वाले में ब्लू बटन पे क्लिक करूंगा. नाउ आई एम हियर एंड आई विल डू शॉपिंग एंड एड प्रोडक्ट टू कार्ट. एंड या देयर आर रिवॉर्ड्स ऑन अमेज़न, सो इट विल टेक सम टाइम बिकॉज दे आर ट्रैकिंग इट, बट अल्टीमेटली विल गेट द रिवॉर्ड्स. तो करना. लेट्स टॉक अबाउट द ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स. इट्स गोइंग टू हैपन इन चाइना. बेटा पहले तो गाना लगाओ. सफेद कपड़ा. पर एक बात मैं बता दूं कि यूएसए ने सीधे सीधे बॉयकॉट किए हैं विंटर ओलंपिक्स. बड़ों ने सीधे आके कहा. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अनाउंस्ड द डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द विंटर ओलंपिक गेम्स इन चाइना. अरे तुम्हारी मां सफेद कपड़ा. एंड आफ्टर दैट व्हाट दीज मदरफकर्स डिड, दे एक्चुअली थ्रेटन अमेरिका. बीजिंग इज थ्रेटनिंग टू रिटेलिएट आफ्टर वॉशिंगटन अनाउंस्ड अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द विंटर ओलंपिक्स. इट्स नॉट ओनली यूएस, देयर आर सो मेनी कंट्रीज. They are boycotting this entire Winter Olympics by China. USA, Australia, UK, New Zealand और उसके अलावा कई और USA के जो मित्र मुल्क हैं, ये एक एक करके चाइना के Winter Olympics को diplomatically boycott कर रहे हैं. Most of the countries are telling this to China. But hold on for a second. France is not boycotting. Yes. France ने categorically ये बोल दिया है कि ये लोग चाइना के ओलंपिक्स को सपोर्ट करेंगे, ये लोग डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं करने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का. अब द वर्ल्ड वांट्स टू नो कि ये क्यों बॉयकॉट नहीं कर रहे, क्योंकि इनके यहां भी ओलंपिक्स होने वाले हैं 2024 में, समर ओलंपिक्स. मैं बता रहा हूं, इट इज जस्ट क्या, दिस इज बिजनेस. क्या छोड़ो यार, साइंस की बात करते. ये जो पिक्चर है ना, ये नहीं अनुपम खेर साहब का सर, नहीं, ये जो पिक्चर है ना, ये दुनिया की अब तक सबसे क्लियर पिक्चर है सन की या सूरज की. जस्ट चेक दिस आउट. ऑल्सो नासा रिलीजेस द वीडियो व्हेन यू कैन सी दैट व्हेन द अर्थ इज मूविंग द प्लास्टिक वेस्टेज इज ऑल्सो मूविंग. चेक दिस आउट. आई मीन दिस इज द प्लास्टिक वेस्ट मूविंग विथ अर्थ. आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर पोल्यूटिंग अर्थ सो मच. शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है. ये तो खैर धरती के कचरे की बात हुई, लेकिन लोग इंटरनेट पे बहुत कचरा कर रहे थे जब इन दोनों की शादी हुई. ये वो पता नहीं क्या क्या. Nowadays it's like mixing two names and making it one, like Virushka and all these things. But people were very confused in their case. कोई विक्रीना बोल रहा है, कोई विक्ट्रीना बोल रहा है. फिर लोग फाइनली हिंदुस्तान के लोग विकेट पे सेटल हुए. विकेट चलता, मतलब क्या हो रहा है मोदी जी, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल. मैं जवाबदेह हूँ, आई एम अकाउंटेबल. एंड फाइनली समवन गॉट द पिक्चर ऑफ देम. ये पिक्चर आई, लोग काफी खुश थे, और किसी ने कहा अरे अपनी शादी में तो एक्सप्रेशन दे दे कटरीना. यहाँ पे भी एक्सप्रेशन लेस. आई मीन पीपल वर सल्यूटिंग द फोटोग्राफर हु टुक देयर पिक्चर बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट. फिर हमको कहीं से ये बात पता चली कि ये तो मतलब मार्केटिंग में कोहली के भी बाप निकले. इन्होंने 80 करोड़ रुपए में वीडियोस के राइट बेचे हैं किसी को, इससे लोगों को पिक्चर्स देखने को नहीं मिल रही है. रिपोर्टेडली विकेट ने अपनी वेडिंग कवरेज के एक्सक्लूसिव राइट्स की डील एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ वॉपिंग 80 करोड़ रुपीस के अमाउंट पर लॉक कर दी है. मतलब ये प्यार है या बिजनेस. क्या, दिस इज बिजनेस. But honestly, people are also saying that he can't believe the fact that he is getting married to Katrina. मतलब वो था ना उसका मीम कि दुख का है खत्म नहीं होता. लोग कह रहे हैं इंटरनेट पे अब तो सारे दुख खत्म हो गए विक्की भाई. ये अरे तमता बड़े हैवी ड्राइवर भाई. फाली विक्की का दुख तो खत्म हो गया, लेकिन इस भाई के दुख का क्या, इसका जिम्मेदार कौन है. मैं जवाबदेह हूँ, आई एम अकाउंटेबल. नहीं 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 सुनो तो सही, क्या प्रॉब्लम क्या है. लव स्टोरी ये भी है. मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, तो फिर 2016 मैंने उत्तीर्ण किया. फिर मैंने कहा उनसे कि अरे मेरी जॉब हो जाएगी, एक साल रुको मैं शादी कर लूंगा. एक साल भी इंतजार की, 2017 हो गया.
फिर 18 में बोले कि 6 महीने रुक जाए यार, कर ही लूंगा ना, वो भी नहीं हुआ। 2019 आते थे मुझे, वो क्या बोले सर, वो छोड़ के चली गई। तो सर ये जिम्मेवारी तो सरकार ही है। मैं जवाब दे हूँ, आई एम अकाउंटेबल। यार एक कमाल की चीज हुई जहाँ पे इस स्पाइडरमैन को ये वाला वीडियो दिखाया गया। इट्स एन ओल्ड वीडियो ऑफ 2017 बट स्टिल एक्चुअली इट्स फनी। Yeah, it actually happened. He saw this video and gave his reaction. And look at his reaction here. Spider-Man. Tune churaya. Dune churaya. Mera. Mera. Dil ka chain. Anyway, let's move forward in the movie world. 1000 poster, 10,000 teasers aur 40,000 cutouts ke baad, finally RRR ka trailer aaya. Aur logon ne kaha yaar, matlab physics kidhar hai? But anyway, no. I have a huge respect for Rajamouli sir. I know this movie will be a blockbuster and I will watch it. But as far as Tadap is concerned, मैंने कहा था अगर 10% भी बना लेंगे ओरिजिनल की तो चल जाएगी मूवी, ठीक ठाक चल भी रही है। बट जो लोग फैन थे RX 100 के, वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने ना जो ओरिजिनल पिक्चर है उसके साथ जस्टिस नहीं किया है, और सच में नहीं किया है। एक्चुअली किल द फीलिंग ऑफ दैट मूवी। एंड बिफोर आई गो, दिस सॉन्ग ऑफ जर्सी, आई डोंट नो व्हाई आई लाइक दिस सॉन्ग सो मच। अगर मरना चाहते हैं तो नहीं के साथ, जीना चाहते हैं तो नहीं के साथ। इट्स अ वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ ओल्ड लव सॉन्ग व्हेन यू यूज्ड टू गिव चॉकलेट टू योर गर्लफ्रेंड एंड ऑल दिस शिट। इसने बहुत दी है लोगों को, टच कर गया ये सीन एंड द सॉन्ग वॉज ऑल्सो गुड। Thank you so much for your show, guys. Like, follow, subscribe. So that's sexy raho, mere fans, meri jaan, and yeah. So yeah, guys, that was today's show. And before I go, commercials. And on the first order of Amazon, you will get 20% of the reward. Shopping is shopping and cashback ka cashback. Just go for it. Dhoka kisi ke saath bhi ho sakta hai. Chahe wo Spider-Man kyun na ho. Mary Jane. What the fuck? What the fuck is going on here? लेकिन बहुत लोगों को नापसंद आई, किसी ने कहा क्या पहनचो, वही एक स्टीरियोटाइप चलाते रहते हो, पाकिस्तान की मारते रहते हो, क्या ये। और भुज जो बहुत अच्छा प्लॉट था उसको कंप्लीट वेस्ट किया जुबा केसरी लगा के। ताजमहल प्यार की निशानी है, तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है, मजा नहीं आ रहा है। एंड ऑन नंबर 2 द वर्स्ट मूवी ऑफ दिस ईयर इज सत्यमेव जयते 2। हर गुनहगार को ऐसी मौत मारूंगा कि अगले जन्म में माँ की कोख से क्या, बाप की तोप से भी निकलने से डरेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें एक और डायलॉग था कि जिंदगी भर पीछे से मुतेगा क्योंकि आगे का टूटेगा। अबे डायलॉग बनाया पिक्चर में, लोग सच में मतलब ओवर दी टॉप, कुछ भी कर दोगे। खून की नली जॉन के हाथ में लगी हुई है और सैकड़ों लोग तलवारों से जॉन पर हमला कर देते हैं। जॉन ने एक हाथ ऐसे रखा हुआ है और सिर्फ एक हाथ से सैकड़ों लोगों से लड़ रहा है जो तलवारों से हमला करते हैं, और अगले 15 मिनट जॉन अकेला ही उनसे लड़ता रहता है। 2% की जान लेने 56 इंच का जिगरा नहीं, 56 किलो का हथौड़ा चाहिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मोस्ट कमाओ मूवी, या भाई इज रूलिंग ऑन नंबर 2 अंतिम, अर्नड 51 करोड़ वर्ल्ड वाइड टिल नाउ। एंड द बेस्ट मूवी ऑन नंबर 2 दिस ईयर इज उधम सिंह। ब्रिलियंट मूवी, अ मस्ट वॉच। या इट्स अ लॉन्ग एंड लेंथी, पीपल आर सेइंग, बट व्हाट अ मास्टरपीस इट इज। Talk about the number one movie of this year is Jai Bhim, one of the best movie. Check out the IMDb rating and people are still praising this movie. कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। उसका एकदम अपोजिट में चलते हैं, महाबकवास मूवी। कौन सी बाय 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 बाय। यस, अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। इस मूवी को इतना ट्रोल किया कि भाई चिढ़ गए, भाई सबको डिफॉर्मेशन नोटिस भेजने लग गए। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आई विल क्लीन दिस सिटी। एक्चुअली पैंडेमिक चल रहा था तो भाई फैंस वेट कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई तो कोरोना को भी हरा देंगे, थिएटर में आएंगे, पर नहीं आए, ऑनलाइन आ गए। तो मोस्ट सर्च्ड मूवी थी राधे।
एंड द मोस्ट कमाऊ मूवी ऑफ दिस ईयर एंड दिस मूवी इज इन द वर्स्ट मूवी कैटेगरी एज वेल. यस सूर्यवंशी द मूवी अर्न्ड 293 करोड़ रुपीज ऑन बॉक्स ऑफिस टिल नाउ. गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है? लौड़ा का सरकार है. इस साल अगर किसी ने डोमिनेट किया